माई टाउन माई प्राइड की ये जो है दूसरी नशिस्त है, जिसमें 5th और 6th दिसंबर को जो विजिटिंग ऑफिसर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में गए। हमारे साथ जो है म्यूनसिपल कमिटीज़ और काउंसिल्स हैं। राघव लंगा सर जो हैं वो बारामूला का उन्होंने विज़िट किया, और कल भी हमने सारे मार्केट एरियाज़ वगैरह का जायज़ा लिया। देर रात तक हम वहाँ पर भी गए और देखा कि क्या क्या इशूज़ हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है, सफाई कितनी है। और आज जो 6th दिसंबर को हमने एक पब्लिक दरबार भी रखा था, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद जो है डिफरेंट काउंसलर से बात की, उनके इश्यूज़ को भी सुना और ये भी मैसेज दिया कि क्लीन और ग्रीन बारामूला जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जितनी भी आगे कोशिशें हमारी रहेंगी वो इसी जानिब होनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सरकार स्कीम्स दे रहा है, सहूलतें दे रहा है, वो उन तक पहुँचें। उसमें PMAY जो है वो भी एक बड़ा फोकस रहेगा। सफाई सुथराई जो मेन म्यूनसिपैलिटी का काम है, या स्ट्रीट लाइटनिंग जो काम है, और उसके अलावा जो मार्केट एरियाज़ में बाकी सहूलियात जो पहुंचानी है वो बतदरीज जो है वो बारामूला में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह और भी, जैसे पार्किंग हो गया या ट्रैफिक डिकंजेशन हो गया या वेंडर्स की प्रॉपर सेटलमेंट हो गई, इन पे प्लान्स बन रहे हैं। सारे डिफरेंट तरह के प्लान्स बन रहे हैं, उनके बारे में भी आज बातचीत हुई है। ये प्लान्स जब तश्कील होंगे तो उसमें डिफरेंट जो टाउन के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे इंशाल्लाह, और जो बारामूला है वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट बन के सामने आएगा। थैंक यू। जो भी मजदूरी पड़े हुए काम जानते हैं, चाहे हम जेटी ब्रिज के हवाले से बात करें, कब तक वो उसके देखिए, जैसे जेटी ब्रिज की अगर बात करें तो ये लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट था जिसमें JKPCC काम कर रही थी, उसको R&B को हैंड ओवर किया गया और फिर उसका जो है वो टेंडर भी ओपन हो चुका है। आई थिंक अनाउंसमेंट विद इन सम डेज हो जानी चाहिए और काम भी जल्दी लग जाना चाहिए। थैंक यू मैम। जी जी शिफा सैंडरी, रईस मोहम्मद बट साहब ITS SSP बारामूला, पर्सन सेना साहब MC प्रेसिडेंट, JDP साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सारे जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करती हूँ कि आप बारामूला आए, और बारामूला बहुत ही खुशकिस्मत है सर कि आप लास्ट टाइम भी जब आए बैक टू विलेज में तो आप उड़ी गए, सलामाबाद गए, और कॉन्स्टेंटली आप उनके साथ इन टच हैं। कल भी आपने उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिव्यू भी दिया कल शाम को आके सर, एंड आज जब आप माई टाउन माई प्राइड में आए हैं सर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी ज़्यादा लोगों की जो भी इनकी तकलीफ थी, जो भी इनके इश्यूज थे, डिमांड थी, वो सब सुनी। बेसिकली माई टाउन माई प्राइड का जो बेसिक मकसद रहा ऑन द पैटर्न ऑफ बैक टू विलेज वो यही है कि हम लोगों से जाके मिलें, और जितने भी काम हमारे टाउन्स में हो रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी कर रही है, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहा है, तो लोगों तक वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, उनकी ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। किसी भी जगह की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों से मिलें, उनसे मुखातिब हों, और जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनसे भी पूछें कि आपको भी क्या दिक्कत है। तो ये टू वे प्रोसेस है सर। जहाँ पे भी आपने जब म्यूनसिपैलिटी का काम देखा तो आपने ये पाया होगा कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत आगे भी जाना है, और इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं ये वन ऑफ होगा, बल्कि सर मैं आपको बताती चलूँ कि बारामूला वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने टाउन टूर भी मनाया, और सर हमारा हमारी जो मंशा थी वो यही थी कि हम लोगों से मिले और उनसे पूछे कि आपको और क्या डेवलपमेंट जो है वो दिख रही है और क्या होनी चाहिए, और एक रोड मैप बनाए। क्योंकि जो हमारा विजन है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब और रेजी साहब चाहते हैं कि आप ये जो प्लानिंग करनी है, जो विजन आपने बनाना है कि एक ब्यूटीफुल सिटी हो, एक प्लान्ड सिटी हो, जहाँ सफाई सुथराई क्लीन और ग्रीन सिटी हो, तो उसकी ओर देखते हुए हमारे जो 7 डिफरेंट प्लान्स हैं सेक्टर्स के सर, वो हम बना रहे हैं। जो देरीना इशूज है सर यहाँ के, चाहे वो पार्किंग का इशू हो, चाहे वो वेंडर्स की प्रॉपर लोकेशन का इशू हो, या एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का इशू हो, वो बहुत सालों से सर केटर नहीं हुए थे, और हम उसकी जानब एक पहला कदम हमने बनाया है, बढ़ाया है, और हमने उसकी प्लानिंग जरूर की है, जिसमें सर हमने आपको बताया कि हमने किस तरीके से यहाँ पर लैंड ऑडिट करवा रहे हैं, किन महकमों के पास एक्स्ट्रा जमीन है जिनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये एक तरीके से बहुत पुरानी सिटी है, बहुत जगह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है उतनी प्लान नहीं हुई थी पिछले सालों में, लेकिन हमारा जो जो हमारी कोशिश है वो ये है कि मस्बत अंदाज से हम काम करें, पिछली चीज़ों को सोचते हुए कि अब ये भी नहीं होगा, पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा, ये हमारी कोशिश ऐसी नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सर
आपका भी हमें सर गाइडेंस जो है वो मिलती रहती है, आप खुद भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि बारामूला को और कैसे बेटर बनाना है। सर ये अश्योर हूँ कि हमारी जो कोशिश है चाहे वो कितने परसेंट कामयाब हों उसमें, लेकिन कोशिश हमारी पॉजिटिव है। हम लोगों से मिलते हैं सर, दिन का मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई मीन मिनिमम 70 to 100 पीपल पर डे। आई डू पब्लिक दरबार ऑल्सो रेगुलरली, मैं खुद भी जाती हूँ सर पब्लिक दरबार में, चाहे वो रूरल एरियाज हो अर्बन एरियाज हो, सर की साथ ही जाते हैं कि खाना दिवस मना रहे हैं। हर चीज़ का हल जो है वो एक स्टेप वाइज प्लान मैनर में निकलता है। अचानक कोई कहें कि हमारे पास मैजिक वॉन्ड है और हम सब कुछ एक दिन में ठीक करेंगे, वो हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करनी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो सर विद दिस वर्ड आई वुड रिक्वेस्ट यू अगर आप वो लव करना चाहेंगे। एस्टीमेशन और एलोकेशन जो बीम्स पोर्टल पर होती है और उसी के थ्रू जो है बाद में फंड रिलीज भी होता है और पेमेंट्स भी होती हैं, तो ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है ताकि किसी प्रकार की लीकेज जो पहले होती थी वो ना हो सके और एक एक पाई जो आप लोगों की है जो पब्लिक फंड्स हैं वो उस काम के ऊपर ही लगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने एक एम्पावरमेंट जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया है, उसको ज़रूर आप लोग आप जाएंगे गूगल में भी खोल सकते हैं janbhagidari.jk.gov.in और उसमें आप लोग जाइए और अपना देखिए उसमें आप अपने अर्बन एरिया में जाकर अपने वार्ड में कौन से काम पिछले 2 सालों में कंप्लीट हुए हैं, कौन से काम अभी चल रहे हैं, काम की लागत क्या है, उसमें अभी तक कितनी पेमेंट हुई है, वो सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। ये आज ये जो 2 दिवसीय माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम यहाँ बारामूला टाउन में बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड हुआ आज, और आज आपने जैसे सुबह भी देखा कि पूरे यहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स के डिपार्टमेंटल स्टॉल्स थे और साथ ही में जो है पूरी गैदरिंग थी, सिविल सोसाइटी के यहाँ के बाशिंदगान सब आए थे और बहुत अच्छा जो है उनके साथ एक पब्लिक दरबार भी हुआ, उसमें डिफरेंट इश्यूज बारामूला टाउन को लेकर क्या काम हो गए हैं, क्या काम अभी होने हैं, क्या क्या यहाँ पर मसाइल हैं वो उठाए गए, और मैं समझता हूँ सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर थे और डिप्टी कमिश्नर साहिब और उनकी पूरी टीम ने वो नोट डाउन भी की चीज़ें। उसके बाद फील्ड विजिट्स भी हमने मौके पर जाकर की, कुछ काम देखे जो यहाँ पर चल रहे हैं, लोगों के साथ भी इंटरेक्शन की, और फिर यहाँ पर एक डिटेल मीटिंग डाक बंगले में आज यहाँ पर रखी गई थी कि जिसमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जो काउंसलर्स हैं यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के, उन्होंने अपने इश्यूज़ और जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने फिर उसको रिस्पॉन्ड किया एक एक इश्यूज़ पर। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हमारा एक कोऑर्डिनेटेड वे में कॉपरेशन के साथ ये कंक्लूड हुआ प्रोग्राम, और हर जगह पर जो हमारी 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, हर जगह पर विजिटिंग ऑफिसर्स गए थे और पूरा उसमें एक उसमें पूरा प्रोग्राम शेड्यूल था जो जो विजिटिंग ऑफिसर्स को देखना था, जो जो रिपोर्ट राइटिंग अब हमें करनी है, इसके साथ साथ 7 प्लान्स जो बनाने थे हर एक अर्बन लोकल बॉडी को, वो भी आज यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट किए गए जो बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल के लिए, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी आगे जाकर लैंडमार्क साबित होंगे क्योंकि इसमें अर्बन फाइनेंस, हमारे यहाँ का टूरिज़म प्लान, यहाँ का लाइवलीहुड प्लान, वो सारी चीज़ें जो हैं आगे चलकर ये एक बेसिकली बेंचमार्क रहेगा कि किस प्रकार से हम अपनी आगे चलकर प्लानिंग करें और रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेशन करें इन सारे जो प्लान्स को फाइनली फ्रक्टिफाई करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक ये एक्सपीरियंस रहा और मैं समझता हूँ सभी जो काउंसलर साहिबान ने बड़ी अच्छा हमें ताउन दिया सभी ऑफिसर्स के साथ, और आई एम वेरी श्योर कि कोऑर्डिनेटेड वे में आगे चलकर भी जो है ये सिर्फ यही 2 दिन नहीं, आगे चलकर भी हमारी ये इंटरेक्शन बनी रहेगी क्योंकि अब प्रभारी ऑफिसर्स डेजिग्नेट किया गया है विजिटिंग ऑफिसर्स को, हमें जो है रेगुलरली यहाँ पर आना है, इश्यूज़ का फीडबैक लेना है, फॉलो अप लेना है, जैसे बैक टू विलेज में भी जो गए थे प्रभारी ऑफिसर्स उनको भी हर महीने के 1st Monday को वर्चुअल मीटिंग करनी है और 3 महीने में एक बार जाकर मौके पर जाना है, उसी के क्रम में मैं भी कल जैसे सलामाबाद पंचायत जा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से पहल है और हम लोगों को पता लगेगा कि पिछले महीने 2 महीने में कितना आगे काम हुआ, कितने इश्यूज रिजॉल्व हुए, और ये जो
जो हम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक उसका बिल्कुल नज़ारा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, जो हमारा ये माई टाउन माई प्राइड और एस्पिरेशनल टाउन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स? जी देखिए, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म था। आपने सुबह भी देखा, जो आज यहाँ पर गैदरिंग थी उसमें ख़ास तौर पर जो देखने में आया कि महिलाएं जो है उनकी लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी, स्किट भी हुआ, लाडी शाह भी यहाँ पर हुआ, तो एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है मैसेजिंग भी यहाँ पर जो है वो दी गई और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने अपने इश्यूज रखे और उस पर रिस्पॉन्स भी लाइन डिपार्टमेंट्स ने जो है वो तरीके से दिया कि कौन से काम फिजिबल है और कौन से कामों पर आगे चलकर जो है क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें सभी लोग साथ में बैठते हैं और ये एक म्यूचुअल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन प्रेसिडेंट साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से देखने में आया, क्योंकि सिवी कम्युनिटीज़ और अर्बन एरिया में ज़्यादा दारोमदार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल काउंसिल की है। तो मुझे बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखी और बहुत अच्छे सुझाव आए, जैसे यहाँ पर कुछ लैंड पैचेज़ तो उनका ऑडिट करने की बात हुई कि उनको बेस्ट पॉसिबल किस यूज़ में डाला जा सकता है, किस प्रकार से साफ़ सफाई रखी जाए, किस प्रकार से ड्रेनेज रिलेटेड कोई इशूज़ हैं, शहर को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, वेंडिंग जोन्स कैसे बनाई जाए सेपरेट। तो बहुत अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव जो है ये डायलॉग रहा और बहुत अच्छा फीडबैक निकल रहा है।